हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और आज हम न्यू कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप के थ्रू इंटरनेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम समझने वाले हैं। और हाँ गाइस, अगर आप न्यू कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर न्यू कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं कि न्यू कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप के थ्रू हम इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, हमारा डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब हमको यहाँ सिंपली कोई सा भी स्टॉक सर्च करना है जिसमें हमको इंटरडे ट्रेडिंग करना है। सपोज़ गाइस, मुझे SBI में इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो मैं यहाँ SBI सर्च कर दूंगा। SBI सर्च करने के बाद हमको इस प्रकार का इंटरफेस देखेगा। अब सिंपली SBI को सेलेक्ट करना है। तो SBI को क्लिक करने के बाद गाइस, अब इस प्रकार का हमको इंटरफेस दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, सिंपली बाई करना है। गाइस, न्यू कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप में आपको एडवांस चार्ट भी देखने को मिलेगा। ये 5 ईयर के साइड में आपको ये 3 कैंडल दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल को आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस चार्ट भी यहाँ से नज़र आएगा। आप वहाँ से अपना स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम फिर से इसको समझते हैं। तो हमको इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। अब हम सिंपली SBI को हम बाई करना चाहते हैं। तो गाइस, हम क्या करेंगे, बाई को क्लिक कर देंगे। बाई को क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस, हमको व्यू मोर में जाना है। व्यू मोर में जाने के बाद हमको सिंपली क्या करना है, इंटरडे को क्लिक कर देना है, क्योंकि हम इसमें इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। गाइस, इंटरडे को क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको MIS दिखाई दे रहा होगा और साइड में आपको सुपर मल्टीपल ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, सुपर मल्टीपल को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मार्जिन रिक्वायर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, अब हमको यहां से पता चल जाएगा कि इस स्टॉक पे हमको कितना मार्जिन प्रोवाइड होता है कोटक सिक्योरिटी से। तो गाइस, अगर हम सुपर मल्टीपल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे इंटरडे के लिए तो हमको यहाँ एक स्टॉक 8.52 रुपया पड़ेगा। मतलब कि लगभग हमको यहाँ से 47 गुना या 48 गुना हमको यहाँ से मार्जिन मिल जाएगा। अगर हम MIS ऑर्डर या मार्जिन ट्रेडिंग यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ से लगभग 3 गुना हमको मार्जिन मिल जाएगा। और गाइस, अगर हम नॉर्मल या डिलीवरी ऑर्डर के लिए सेलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ से 5 to 10 times ईजिली प्रोवाइड हो जाता है डिलीवरी के लिए। अब चलिए गाइस, हम इसको बैक कर देते हैं। अब बैक करने के बाद गाइस, चूंकि हम यहाँ इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंटरडे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम प्रोडक्ट टाइप में हम MIS ही ऑर्डर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से हम मार्जिन नहीं लें। अगर गाइस आप मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप सुपर मल्टीपल को टैप कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप MIS से ही यूज़ करके इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइस, ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट दिखाई दे रहा होगा, मार्केट दिखाई दे रहा होगा, SL LMT दिखाई दे रहा होगा, SL MKT दिखाई दे रहा होगा। गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में लाइव समझाएंगे कि SL LMT का यूज़ कैसे करते हैं, SL MKT का यूज़ कैसे करते हैं। उसको हम लाइव इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तब हम बता देंगे। अभी फिलहाल हम लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर को समझ लेते हैं। गाइस, लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप अपने मन पसंद के प्राइस यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 427.45 रुपया अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको 425 रुपये में बाई करना तो गाइस, आप यहां 425 रुपया टैप कर देंगे और रिव्यू ऑर्डर को क्लिक करेंगे और यहां से बाई करेंगे। अगर मार्केट हमारा वापस से 425 रुपये में आएगा तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। अब बैक करते हैं गाइस, अब मार्केट ऑर्डर को समझते हैं। अगर गाइस अब मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो अभी जो प्राइस हमारा चल रहा है 427.45 रुपये, वही ऑर्डर में हमारा जो मार्केट है वो प्लेस हो जाएगा हमारे मार्केट में। तो गाइस, अब हमको क्या करना है, मार्केट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अब चाहते हैं कि अब डायरेक्ट यहाँ से बाई करना तो आप डायरेक्ट क्विक बाई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बार चेक करना चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर किस में लगा है, अगर आप डाउटफुल हैं तो आप एक बार रिव्यू ऑर्डर को क्लिक करके ये सब चेक कर सकते हैं गाइस, कि कितना क्वांटिटी है, कौन से प्राइस में हम मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं और हमारा ऑर्डर टाइप क्या है, इंटरडे है कि डिलीवरी है, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। बस गाइस, इतना ही प्रोसेस है इंटरडे के लिए। आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक दो बार वीडियो को देखने के बाद। अगर गाइस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू गाइस।